हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज श्वेता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी डेंटल कोर्प्स के बारे में। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आर्मी डेंटल कोर्प्स या फिर आपने अप्लाई कर दिया है तो इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सभी पॉइंट्स कवर करेंगे, यानी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया से लेके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, उसके बाद इंटरव्यू में कैसी चीज़ें पूछी जाती हैं, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए कितने दिन के लिए भेजा जाएगा, देन सैलरी, प्रमोशन, उसके बाद कितने दिन की छुट्टियों पे जा सकते हैं, तो A to Z ये सभी डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आप BDS स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आप अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसीज जो हैं वो अप्रैल और जून के बीच में निकलती हैं। अगर पोस्ट्स की बात करें, टोटल सीट्स की बात करें, तो 20 to 65 इसके बीच में निकलती हैं हर साल। एक साल में एक ही बार निकलती है, पहले साल में दो बार निकलती थी, और वो भी टोटली डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर ईयर में कितनी पोस्ट्स की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे देखिए, मैंने 2020 का निकाला है, इनका जो भी इन्होंने एडवाइसरी जारी किया है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं 43 सीट्स जो हैं अब की बार वैकेंसी जो है इन्होंने निकाली हैं। अब क्वेश्चन आता है, हु कैन अप्लाई इन आर्मी डेंटल कोर्प्स, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? वो लोग जिनके पास BDS की डिग्री है या फिर MDS की है, दोनों ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर कंडीशन ये है कि आपको नीट MDS जो है वो क्वालिफाई करना ज़रूरी है। नॉट इवन क्वालिफाई, यू मस्ट हैव सिक्योर रैंक विद इन 500 सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर आर्मी डेंटल कोर्प्स। अलोंग विद दैट, यू मस्ट हैव 55% मार्क्स इन योर फाइनल ईयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 55% मार्क्स मिनिमम आपको चाहिए हैं, और 31 मार्च 2020, अगर आप 2020 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो रोटेटरी इंटर्नशिप होती है एक साल की, वो 31 मार्च तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके अलावा नीट MDS तो आपका क्वालिफाई होना ही होना चाहिए, पर क्वालिफाई के साथ 500 के अंदर तो रैंक आपको लेके ही लेके आना है। उसके बाद है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अलोंग विद दैट, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड 1 ईयर रोटेटरी इंटर्नशिप। आप लास्ट डे ऑफ सबमिशन देख सकते हैं 30th जुलाई। 30 जुलाई तक आप फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो नीट MDS के रिजल्ट आने के बाद एक बार आप अप्लाई कर देते हैं, 200 रुपये का ये फॉर्म आता है, तो उसमें आपको वो फिल करना होता है और अप्लाई करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आती है जिसका आपको वेट करना होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्म की डेट होती है वो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, 31 जुलाई है, तब तक आपको फॉर्म जो है वो फिल करना है। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो आती है उसका वेट करना होता है। जनरली आप सोचते हैं कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स नीट MDS में तो नहीं है कि मुझे PG सीट मिले या फिर आर्मी डेंटल कोर्प्स में, तो मैं आपको बता दूं, इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि रैंक जो है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स PG गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं, और उसके अलावा कुछ लोग सोचते हैं कि एक साल और ड्रॉप किया जाए। सो यस, यू स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ट्राई फॉर आर्मी डेंटल कोर्प्स। सो दीज आर द क्राइटेरिया सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर आर्मी डेंटल कोर्प्स। नाउ What are the documents which are required for you to apply in Army Dental Corps? Documents की यहाँ पे मैं आपको लिस्ट बता रही हूँ, आप लिख भी सकते हैं। अप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही आपको ये सर्टिफिकेट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने होते हैं। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, 10th क्लास का सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, जिससे आपका एज प्रूफ हो सके। सेकंड, नीट MDS का एडमिट कार्ड, नीट MDS का स्कोर कार्ड भी चाहिए है। उसके बाद आपकी फाइनल ईयर की BDS मार्कशीट।
उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर इंटर्नशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। उसके बाद एक रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी दैट यू हैव कम्प्लीटेड BDS या फिर MDS, इट शुड बी फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड। उसके बाद है NOC सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ से NOC होना चाहिए। उसके अलावा आपका आधार कार्ड और कुछ फोटोग्राफ्स, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए हैं। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए आपका नीट MDS में आपकी जो रैंक है वो एटलीस्ट 500 के नीचे तो होनी ही होनी चाहिए। विदिन 500 आपकी रैंक होनी चाहिए नीट MDS में। उसके बाद नीट MDS के स्कोर के हिसाब से वो मेरिट लिस्ट बनाते हैं जिन्होंने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद जितनी पोस्ट्स हैं उसका 10 times ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में ये बुलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब की बार जो आर्मी डेंटल कोर्प्स में वैकेंसी निकली हैं 2020 में, दीज आर 43 पोस्ट्स, तो ये एटलीस्ट 430 या 450 इसके बीच में स्टूडेंट्स को बुलाएंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा। उसके बाद जितने भी नेम्स लिस्ट में आते हैं उनको इंटरव्यू के लिए आर्मी डेंटल सेंटर में बुलाया जाता है जो न्यू दिल्ली में है। उसके बाद बात आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में जनरली कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में मोस्टली 7-8 आर्मी ऑफिसर्स आपसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें सबसे पहले आपके बारे में पूछा जाता है, जनरली आपकी पर्सनैलिटी जानने के लिए, लाइक आपका बैकग्राउंड, आपके इंटरेस्ट क्या हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन, जिससे कैंडिडेट्स को वो एनालाइज कर सकें कि कैंडिडेट्स आर्मी फोर्स को ज्वाइन करने के लिए फिट हैं। उसके बाद डेंटिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल फार्माकोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, और किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन में आप पेशेंट को कैसे संभाल पाएंगे, आप पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे, ये सब। उसके बाद आपसे जनरल नॉलेज से क्वेश्चन किए जाते हैं, मोस्टली अबाउट करंट अफेयर्स, न्यूज़, नेशनल इम्पोर्टेंस एंड अबाउट आर्मी फोर्सेस। अब क्वेश्चन आता है, इनमें से कितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू राउंड के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर 10 सीट्स हैं तो 100 को यानी कि 10 times कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाएंगे, राइट। उसके बाद 30 स्टूडेंट्स को ही वो मेडिकल एग्जामिनेशन में बुलाते हैं जो कि टोटल वैकेंसीज का 3 times है। तो अब तक बात हो गई है इंटरव्यू तक की, अब बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन की। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपकी हाइट, वेट, ये दोनों तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाइट गर्ल्स के लिए तो मिनिमम 152 centimeters तो चाहिए ही है। उसके अलावा वेट मिनिमम आपका 42 kg तो होना ही होना चाहिए। आई की अगर हम बात करते हैं तो आई एग्जामिनेशन में अगर कलर ब्लाइंडनेस है या फिर एक्सट्रीम मायोपिया है तो इन केसेस में वो परमानेंटली रिजेक्ट कर देंगे। उसके अलावा डेंटल चेकअप भी किया जाता है और पूरा बॉडी चेकअप भी किया जाता है, वहाँ पे पूरा सेटअप होता है। अब एक पॉइंट आता है, अगर किसी ने टैटू कराया है तो उनके सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं या फिर वो अप्लाई कर भी सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। नीचे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर वो लिंक चेक कीजिएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे अगर टैटू है तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। अब मेडिकल एग्जामिनेशन भी जब क्लियर हो जाता है तो आपको 13 weeks यानी कि 3 महीने अप्रोक्स उसके लिए आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, और ये ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड होती है जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको डिसिप्लिन रखना है क्योंकि शेड्यूल थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, तो पहले नीट MDS आपको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद अगर विद इन 500 है तो चांस ज़्यादा हैं आपके रिक्रूटमेंट के। उसके बाद आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू में बुलाया जाता है, आफ्टर देन मेडिकल एग्जामिनेशन में बुलाया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन भी जब आप क्लियर कर लेते हैं तब आपको ट्रेनिंग पे बुलाया जाता है, और ट्रेनिंग पे सारा एक्सपेंडिचर जो भी आपका होता है वो आर्मी डेंटल कॉर्प्स वाले ही उठाएंगे। इनफैक्ट जब इंटरव्यू लिस्ट में जब आपका नाम आ जाता है, जब आपको घर से बुलाया जाता है, तो वो भी एक्सपेंस आर्मी डेंटल कॉर्प्स वाले ही देते हैं।
अब क्वेश्चन आता है कितने साल तक ये जॉब जो है वो करना पड़ता है, यानी कि इसका टेन्योर कितने ड्यूरेशन का होता है। जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तब उसके बाद 5 ईयर का टेन्योर होता है और उसके बाद ये इंक्रीज भी होता है। पहले 5 साल का टेन्योर और मिलता है और फिर उसके बाद 4 साल का और होता है, यानी कि ये पूरा 14 ईयर का टेन्योर आपको मिलता है। पर पहले 12 मंथ्स आपको प्रोबेशन पे रखा जाता है। उस दौरान अगर आप किसी भी फील्ड में अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट जाती है और उसके बाद परमानेंटली टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो इसलिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पूरी मेहनत करनी है वहाँ पे टिके रहने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है DPC क्या होता है। जब आपने ज्वाइन कर लिया है तब एक टर्म आती है DPC, डिपार्टमेंट परमानेंट कमीशन। ज्वाइनिंग के बाद अगर आपको 2 ईयर्स हो गए हैं काम करते करते तो आप DPC के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आर्मी खुद के खर्चे पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज से MDS कराती है। अब पॉइंट आता है प्रमोशन लेवल का। इसमें प्रमोशन लेवल कैसे इंक्रीज होता है, अगर आप आर्मी डेंटल कॉर्प्स ज्वाइन कर रहे हो तो आप एज अ कैप्टन ज्वाइन करोगे। 4.5 मंथ्स के बाद ट्रांसफ़र मेजर लेवल तक हो जाता है आर्मी और नेवी दोनों में, जनरली आर्मी में। उसके बाद जैसे अगर आप MDS हो तो 3 ईयर की सीनियोरिटी तो आपको ऑलरेडी वहाँ मिल जाती है। उसके बाद अप्रोक्स 1.5 ईयर की सर्विस के बाद आप जनरल और लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं सैलरी की। 7th पे जो है वो अभी चल रहा है, 7th पे कमीशन, जिसके अकॉर्डिंग सैलरी जो है वो 61,300 से लेके 1,93,000 के बीच में है। 7th पे कमीशन उनका भी चल रहा है। उसके अलावा और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, लाइक आपका कैंटीन फ्री होता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, वहाँ रहने का फ्री होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिल जाते हैं। अब पॉइंट आता है कितने दिन की लीव्स जो हैं वो आपको मिलती हैं, हॉलीडेज कितने दिन के आपको मिलते हैं। 60 डेज एनुअल लीव मिलती हैं, उसके अलावा 20 डेज कैजुअल लीव लेकर भी आप कहीं पर भी जा सकते हैं। अब आप लोग फैसिनेट होंगे सैलरी को लेके, हम आर्मी डेंटल कॉर्प ज्वाइन करेंगे, पर आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखिए उसके लिए मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नीट MDS में 500 के विदिन रैंक लेके आना है और उसके अलावा डिसिप्लिन ज़रूर रखना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है आर्मी डेंटल कॉर्प्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उसी के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिले। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट अगर है तो आप ज़रूर पूछिए। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछिए, या फिर इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड बी हैप्पी।